तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो उन लोग के लिए है जो साइबर कैफ़े खोल लिए हैं, लेकिन दोस्तों उनका साइबर कैफ़े नहीं चलता है। उसके लिए कारण है दोस्तों, क्या कारण है आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी भाई लोग को काफ़ी बुरा लगने वाला है और काफ़ी लोग तो उल्टा सीधा भी कमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप लोग क्या कमेंट कीजिए, अगर आप लोग कोई भी गलत कमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप खुद ही बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और दोस्तों मैंने सीखा है कि साइबर कैफ़े में कस्टमर नहीं आने का क्या रीज़न है, तो दोस्तों मैं आप लोग को वही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो दोस्तों कस्टमर नहीं आने का रीज़न यह है कि आप लोग काम नहीं करते हो। अब काफ़ी भाई लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि हमको सब काम आता है लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आता है। तो दोस्तों उसका एक और यह रीज़न है कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि पहले जहाँ पर एक साइबर कैफ़े खुला था ना, वहाँ पर अभी ऑनलाइन फ़ोटो कॉपी ये सब का समझ लीजिए कि एक जगह पे 4-5 दुकान हो गया, यानी कि एक छोटा सा भी गांव है दोस्तों, तो वहाँ पे लगभग 4-5 साइबर कैफ़े खुल गया है, जिसके कारण दोस्तों कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गया है। अब पहले के मुकाबले दोस्तों साइबर कैफ़े बहुत ही कम चल रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि साइबर कैफ़े दोस्तों कम चल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या हम लोग के साइबर कैफ़े के भरोसे बैठना चाहिए? काफ़ी भाई लोग हैं जो सिर्फ साइबर कैफ़े खोल तो लिए हैं और सिर्फ साइबर कैफ़े के भरोसे बैठे हैं, उसको दोस्तों साइबर कैफ़े के अलावा और मतलब कुछ दूसरा काम नहीं दिखता है। तो यही दोस्तों प्रॉब्लम है कि साइबर कैफ़े के अलावा दूसरा काम नहीं दिखना तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक काम को पकड़ के चलेंगे तो आपको हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। इसलिए दोस्तों मैं अपना हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको सब काम आना चाहिए, आपको दोस्तों हर काम में ऑलराउंडर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके शॉप में कोई भी कस्टमर आता है, मान लीजिए आपका शॉप ग्रामीण क्षेत्र में है और ज़्यादातर दोस्तों ज़्यादातर लोग का शॉप है वो ग्रामीण क्षेत्र में, और काफ़ी भाई लोग हैं जो शॉप खोलना चाहते हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही खोलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो कस्टमर होता है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि आपका दुकान किस चीज़ का है, साइबर कैफ़े का दुकान है, मोबाइल दुकान है या किस चीज़ का दुकान है। अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए उसका मोबाइल ख़राब हो गया, उसके पास लाइट है, इमरजेंसी लाइट है वो ख़राब हो गया, टीवी का डिश है वो ख़राब हो गया, या तो दोस्तों कुछ भी सामान मतलब समझ लीजिए ख़राब हो गया, वो आपके पास आ जाएगा कि इसको और उम्मीद लेके आता है कि ये सामान वहाँ पर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कस्टमर को रिटर्न कर देते हो, तो यहाँ पे दोस्तों रिटर्न करने का मतलब है कि आपको काम नहीं आना। तो दोस्तों आप लोग काम अगर सीखेंगे, धीरे धीरे सारा काम सीखेंगे तो ही आप लोग का ही फायदा है। मान लीजिए अगर आपके दुकान में कोई भी कस्टमर आता है और वहाँ पे आप लोग को 50 रुपया भी देता है एक काम का, तो आप इस तरह से दोस्तों अगर आपके दुकान में एक दिन में 2-3 भी कस्टमर आ जाएगा तो 100-150 रुपया आपका अलग से समझ लीजिए काम हो जाएगा, साइबर कैफ़े छोड़ के आपको अलग से काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग को काम आना चाहिए। अब आप लोग कमेंट करोगे कि हम काम कहाँ से सीखेंगे, हमको काम कोई सिखाने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं भी कहीं से काम सीखा नहीं हूँ, मैं भी सारा कुछ काम जो है सो यूट्यूब में देख के ही सीखा हूँ, और आज मैं दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोगों को हेल्प करता हूँ। ताकि काफ़ी भाई लोग यह कमेंट भी करते हैं कि मैं आपका वीडियो देख के बहुत कुछ सीख गया हूँ, बहुत कुछ जान गया हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों सीख सकते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो देखने में ध्यान नहीं देते हैं। वीडियो देखने में दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा काम कैसे होता है, उसके बाद आप लोग का दिमाग खुद का खुद चलने लगेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों कि अगर आप लोग साइबर कैफ़े के अलावा और कई तरह के काम करते हैं तो आप लोग का दोस्तों काफ़ी अच्छा कमाई होगा। मान लीजिए अगर आपका साइबर कैफ़े कम चल रहा है, डाउन चल रहा है, और दोस्तों साइबर कैफ़े एक ऐसा काम है जो हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डाउन, कभी दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप दिन दिन भर दुकान में बैठे रहेंगे लेकिन दोस्तों आपके दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आएंगे। लेकिन वही अगर आपको सभी चीज़ काम के बारे में मालूम रहेगा, जैसे कि दोस्तों आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग कर लेते हैं, मोबाइल का सामान रखते हैं, चार्जर ईयरफोन हो गया, और दोस्तों आप और कलम कॉपी रख सकते हैं अगर आपका दुकान जो है सो स्कूल कोचिंग के बगल में है, तो दोस्तों वहाँ से आप लोग का इनकम हो जाएगा। और आप दोस्तों पंखा कैसे बनाया जाता है वो सीखिए, और भाई कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो देखिए सीखिए कि कैसे बनाया जाता है। कई तरह के दोस्तों मतलब इमरजेंसी लाइट आता है गांव में, टॉर्च आता है,
उसका दोस्तों बैटरी ख़राब हो जाने के कारण वो चार्ज नहीं होता है, उसका चार्जिंग पिन टूट जाता है तो चार्ज नहीं होता है। तो आपको कैसे बदलना है, कैसे बैटरी बदलना है, आप अगर एक बैटरी भी रख लेते हैं तो आपका दोस्तों कोई भी मतलब इमरजेंसी लाइट आता है या टॉर्च आता है तो आप उसमें लगा लेंगे तो दोस्तों उसमें भी आप लोग का कमाई हो जाएगा। तो दोस्तों दिन भर दुकान में बैठने से अच्छा है कि आप लोग कुछ सीखिए और काम कीजिए। सिर्फ साइबर कैफ़े के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों साइबर कैफ़े का काम जो है सो कभी कम कभी ज़्यादा इसी तरह से होता है, और साइबर कैफ़े से सिर्फ आपका काम नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि दोस्तों अगर आप साइबर कैफ़े का दुकान खोलें तो आपको सिर्फ साइबर कैफ़े ही का काम करना है। दोस्तों हम भी साइबर कैफ़े का ही दुकान खोले थे, लेकिन दोस्तों साइबर कैफ़े देख रही हैं कि उतना कम चल रहा है, मतलब कभी कम चलता था तो हमको लगा कि हमको और भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे जैसे मेरे पास काम आते गया वैसे वैसे मैं काम सीखते गया, और जो भी दोस्तों कस्टमर आता था उसको हम घूमने नहीं देते थे। वो कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था तो हम देखते थे कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करके देते थे कस्टमर को। तो दोस्तों कस्टमर इस ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, और अगर आप एक बार उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिए तो वो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा कि उसको सब काम आता है, और उसका जैसा दुकान कहीं भी नहीं है, आपका दुकान का भी नाम होगा। और यहाँ पे दोस्तों अभी मेरा साइबर कैफ़े से ज़्यादा समझ लीजिए तो मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आप लोग को कि यहाँ पे देख लीजिए मैं एक फोल्डर लगा के रखा हूँ कस्टमर का मोबाइल का डिस्प्ले जो टूटता है, और यहाँ पे दोस्तों एक फोल्डर लगा के रखा हूँ, और अभी एक फोल्डर हमारे पास आ गया है और टूटा हुआ मोबाइल, तो इसको भी हमको लगाना है। और दोस्तों एक और आया है देख लीजिए मोटरोला का है, इसका दोस्तों डिस्प्ले नहीं मिल रहा है लेकिन इसका भी मिल जाएगा तो इसको भी लगा के देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है कि अगर आप मतलब काम सीखेंगे काम जानेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक काम आएगा, क्योंकि अगर आप कस्टमर को अच्छा काम करके देते हैं तो दोस्तों कस्टमर ऑटोमेटिक आपका दुकान में आएगा। तो आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब से ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।